गुड मॉर्निंग जी। और ये हैं मेरे हस्बैंड जी, और ये लगे हुए हैं आज छत पर पौधों की सफाई करने। एक्चुअली मैं छत पर बहुत कितने महीने से नहीं गई हूँ। अदरवाइज हम दोनों ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं इनको ठीक से रखते हैं, अभी अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन अभी बहुत 3 4 दिन से रेगुलर इनका काम कर रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा तो इनको मौसम चेंज होने पर खाद वगैरह डालना जरूरी हो जाता है। और ये देख रहे हैं आप, इन्होंने दीवार पे पेंट के डब्बे वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं, यहाँ पर डोंगे वगैरह बहुत अच्छे से हम लोग छत पे ग्रीनरी रखते थे। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे पूरी क्लीनिंग करने पे लगे हुए हैं और चारों तरफ गमले रखे हुए हैं, ये एक ही पोर्शन है, यहाँ पे बैठ करके ये काम कर रहे हैं। मैंने बोला था कि आप एक बार छत का भी दिखाना ऊपर। सारे में सफाई जरूरी होती है, पौधों को भी यार बहुत ज्यादा साफ सफाई चाहिए होती है। इसमें जो ये जंगली घासें उगाती हैं, और हमारा मनी प्लांट भी बिल्कुल सूख गया था क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए ग्रीन नेट जो है ना ये दोबारा लगाई है इन्होंने, पहले लगी हुई नहीं थी। और ये पूरा छत पे है, अच्छे से किया हुआ है, और बस अब डेली ये लगे हुए हैं इसी काम में। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ नींबू वाला रोबचा। दूध वाला सब पीते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे नींबू वाला पीते हैं, ये इन दोनों को बहुत पसंद है, दूध वाले रोबचे से ज्यादा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें डाली है चीनी। चीनी मैंने अपने अंदाजे से डाली है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठा हल्का पीते हैं, लाइट डार्क जैसा भी पीते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग चीनी या खांड आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 चम्मच चीनी लिया है, इतने से पानी में 6 से 7 चम्मच, क्यों? क्योंकि इसे मीठा घोलने के लिए मैंने लिया हुआ है, बनेगा ये 4 से 5 गिलास। और यहाँ पे मैंने नींबू ले लिया है, नींबू इसमें मैंने निचोड़ दिया है, और बहुत ज्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए जितना खट्टा आप पी सकते हैं। और रोबचा इसमें मीठा ही आता है तो चीनी उसी के अकॉर्डिंग लेनी होती है, मीठा जो आप डालेंगे इसमें। और यहाँ पे मैं ये दोनों नींबू का रस निकाल चुकी हूँ, और अब उधर जो मैंने भगोना रखा हुआ है इसमें मैं पानी डाल दूंगी। अब आप अंदाजे के लिए यहाँ पे ग्लास यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बनाती रहती हूँ तो मेरे को आइडिया हो चुका है, क्योंकि पूरी गर्मी में ये बनाती हूँ। और ये रोबचा फर्स्ट टाइम आया है गर्मियों में, अब बंद हो गया था ये, और यहाँ पे मैंने उसमें बर्फ भी डाल दी है, और रोबजे की बॉटल मैंने उतार के रख दी है। ये मैं खोलूंगी और इसमें रोबजे डाल दूंगी, मैं इसमें 3 चम्मच रोबजे डाल दी हूँ इतने सारे पानी में। ये मैंने बताया आपको करीबन 4 से 5 ग्लास मेरा ये रोबजा बनेगा, छोटे वाले ग्लास जो आते हैं वो। और यहाँ पर मैंने चीनी घोलने के लिए जो रखी हुई है वो भी ऑलमोस्ट घुल चुकी है, और जहाँ ये मैंने नींबू और जो चीनी घोली है दोनों, आप पता है इसका घोल भी बना के रख सकते हैं, जब आपको पीना हो चीनी का घोल तब आप इसे निकाल के मिला लीजिए। मैंने इस पानी में इसको मिक्स कर दिया है, और मैं इसको अभी तन्नू को टेस्ट करके दिखाऊंगी, टेस्ट करके नहीं तन्नू से पूछूंगी, क्योंकि तन्नू को ही बहुत ज्यादा पसंद है, तन्नू और इन दोनों को। तो यहाँ पे ये बन चुका है, और अगर मीठा कम होने लगेगा तो मैं डाल दूंगी, वैसे तो एग्जैक्ट बनता है, बहुत ही रेयर होता है। और यहाँ पर मैं इसको थर्मस में डाल के पहुंचा दूंगी, थर्मस में ठंडा रहता है तो जब इनका मन करता है दुकान पे ये पी लेते हैं, और फायदा भी करता है। और यहाँ पे ये मैंने अपने लिए निकाला हुआ है, बहुत जल्दी भी बनता है और अच्छा। हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल, और मैं हूँ कोमल। और कैसे हैं आप सब लोग? आज है 17 जून और डे है मंडे। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। और यहाँ पे मैं काम कर चुकी हूँ अपना, थोड़ा सा किचन का काम किया है, और अभी शाम के बजे हैं 7:20 हो रखे हैं, 7:20 हो रखे हैं अभी, तो अभी और काम मैं करूंगी 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं बात करते करते पहले किचन का काम करने आ गई हूँ इनका, पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ क्योंकि भी खाना भी बनाना होगा, साथ भी सो चुके थे, और फिर अब अकेले खाना बनाना है तो धीरे 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 लगी रहती हूँ। और ये गाउन पहना हुआ है मैंने, फ्रॉक बनवाया था आपको पता ही है, ये बिल्कुल मैक्सी के जैसा बन गया है, बर्फ वगैरह
की ट्रे खाली हो जाती है तो साथ के भर के रख देती हूँ, क्योंकि मैंगो शेक वगैरह बनाना होता है उसमें चाहिए। और किचन के डब्बे देखो मेरे ऐसे लगे हुए, क्योंकि अब मैं ना ज्यादा कोशिश नहीं करती हूँ ऊपर पटड़े पे चढ़ने की या किसी भी चीज ऊंचाई पे चढ़ के रखने की, तो मैं आगे ही रखती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो कोई भी डब्बा उतारने में। और यहाँ पे बस अभी मैं किचन साफ करके और फिर मैं बर्तन साफ कर दूंगी यहाँ से, क्योंकि बर्तन थोड़े थोड़े करते रहो ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, फिर इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर हो नहीं पाते हैं। दिखानी थी कुछ चीज, किचन का भी ऑलमोस्ट काम कर चुकी हूँ। तनु की आज तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी दुकान पर गई है और सब्जी लेने के लिए भेजा है, क्योंकि मंडे तक सब्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं देखो हैंड टॉवल लेकर के आई हूँ इस तरीके का, क्योंकि घर में ना बहुत सारी जगह चाहिए होते हैं, ऊपर वॉशरूम नीचे वॉशरूम तो हर जगह, और किचन में टॉवल्स चाहिए होते हैं। खैर लिए तो मैंने अपनी दुकान से ही है, लेकिन सब लोग दिखाते तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ ना। मैंने दोनों कलर लिए हैं इसमें, ब्लू और पिंक। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, इससे कम हल्के फैब्रिक वाले भी आते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है क्योंकि ये ना एक तो जल्दी साफ होते हैं, और जो बबलिंग वाले होते हैं ना टॉवल्स, कभी भी आप देखेंगे ना
इस तरीके के बबलिंग वाले होते हैं ना, ये पानी बहुत अच्छे से सोखते हैं। एक तरफ ये सॉफ्ट होता है और एक तरफ ऐसा खुरदुरा जैसा होता है, लेकिन अच्छे बहुत होते हैं। और मैंने लिया था एलोवेरा जेल। मैं हर बार ना ग्रीन वाला यूज करती हूँ, ग्रीन वाला यूज करती थी। इस बार मैंने ये लिया है, ये वही है पतंजलि का है, देख सकते हो तो इस पे लाइटिंग पड़ रही है। पतंजलि का है, एलोवेरा जेल है, केसर चंदन वाला है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना, मैं सर्दी गर्मी इसी को चेहरे पे यूज करती हूँ। इसमें मैं विटामिन ई का कैप्सूल होता है ना वो, और ये मैं मिक्स करके एक डब्बी में रख लेती हूँ, उसी को मैं लगाती हूँ और चेहरा बिल्कुल क्लीन रहता है इससे। इसके अलावा और कोई क्रीम नहीं लगाती मैं, कुछ नहीं। तो अब की बार मैंने ये लिया है, देखती हूँ यूज करके ये कैसा निकलता है कैसा नहीं। इसमें लिखा तो है पिंपल्स रिंकल्स मिटाए, खूबसूरत त्वचा पाए। खूबसूरत तो जैसे हम लोग हैं नेचुरली वैसे ही रहने वाले हैं, बस ये रहता है कि चेहरा अच्छा रहता है। लेकिन मुझे ग्रीन वाला इसका जो पतंजलि का और प्रोडक्ट का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, शैम्पू वगैरह का मैंने यूज किया लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता है ग्रीन वाला, ये तो मैं अब यूज करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। इसे ना मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मॉर्निंग में नहाई हूँ तो क्रीम की जगह ये यूज किया है, फिर बाहर कहीं गई तो फिर दोबारा फेस वॉश करके फिर दोबारा इसको लगा लेती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है। और पता नहीं ये कैसे निकलेगा, नेचुरल वाला एलोवेरा जेल भी अच्छा रहता है लेकिन नेचुरल वाले को हम लोग पूरे दिन अप्लाई करके नहीं रख सकते हैं। इसको मैं पूरे दिन अप्लाई करके रख सकती हूँ और जब मैं इसे मिक्स करूंगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी उसमें जिसमें विटामिन ई के कैप्सूल में। और ये ना बालों पे, वो वाला तो मैं बालों पे भी यूज करती थी, पिंपल्स रिंकल्स मॉइस्चराइजिंग है त्वचा के लिए प्राकृतिक सौंदर्य तथा बालों के लिए। हाँ बालों के लिए भी ये अच्छा होता है, अगर कंडीशनर नहीं यूज किया है आपने कई बार तो इसको हल्का सा लेकर के आप अपने बालों में ऊपर ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या बाल धोने से पहले विटामिन ई का कैप्सूल आप इसमें ऐड करके लगा सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। और अभी बस सब्जी आ जाएगी तो मैं बनाऊंगी सब्जी, रोटी, घिया और रोटी। तनु बोल रही है कि मैं बनवा देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं धीरे 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 कर लूंगी, यार प्रेग्नेंट हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ, आराम भी कर ही रही हूँ तो। और ना लेटे लेटे भी बहुत अजीब सा हो जाता है, तो जो खड़े वाला काम है वो मैं कर लेती हूँ, कई बार चपाती नहीं बन, कितनी खाना कितना बनाना था, थोड़ी सी सब्जी सब्जी में बैठ के काट लेती हूँ, चपाती वगैरह थोड़ी सी बननी होती है मेरे को लगता है तो मैं बैठ जाती हूँ थक गई हूँ, और नहीं तो फिर बना देती हूँ फटाफट। ऐसा नहीं है, अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। चलिए अभी मिलती हूँ मैं दोबारा। लो जी मैं दोबारा आ गई हूँ और साथ में मैं ले लेती हूँ दवाई। और ना मेरे पास में पुष्पा परिहर जी है, उनका मैसेज आया था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, फिर मैं डेली ब्लॉग बना रही हूँ, डेली कंटिन्यू जा रहा है, अब तो मैं बीच में गैप ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन वो क्या रहा ना, इतने सारे कैप्सूल नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, तो प्लीज जिसके पास भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं वो एक बार मेरे चैनल पे आके देख लिया करो, क्योंकि मैं खुद नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचते हैं तो पता चल जाता है, और मतलब लोग बागों के कमेंट्स आ जाते हैं, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर कमेंट्स नहीं आते हैं। और मानसी जी ने बोला था नाम लेने के लिए, डियर मैं अपने ब्लॉग में रेगुलर नाम ले रही हूँ, ऐसे पे सब लोग मेरे या तो ब्लॉग नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप लोग बोल रहे हो मेरा नाम नहीं ले रहे हो, मेरा नाम नहीं ले रहे हो। मैं नाम ले रही हूँ जितना हो सकता है, सबका नाम ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे मानसी जी ने भी दोबारा बोला मेरा नाम नहीं लिया, तो मैंने आपका भी नाम लिया है। और एक और क्वेश्चन आया था मेरे कमेंट आया था मेरे पास में कि तनु आपकी बहन है क्या,
नहीं जी, तनु मेरी बहन नहीं है, तनु हमारी बेटी है। बहन जैसी वो दिखती है, क्योंकि थोड़ी बड़ी है इस वजह से, अदरवाइज वो मेरी बेटी है। और गर्मी बहुत हो रखी है, और मैंने एक कुर्ती लाई थी, कल मैं पहन करके उसको दिखाऊंगी। वो एक्चुअली मैं क्या लाई थी, तनु ने जिद करके लेके आई है, क्योंकि अब बोलेगी आप कुर्ती पहनो कंफर्टेबल रहोगे, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो लॉन्ग कुर्ती फ्रॉक वाली मैंने ली है कि मैं घर में पहन सकूँ उसको आराम से। तो वो दुकान पे रह गई है, मैं दुकान पे दोपहर गई थी तो मैंने वहां का ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ये बोले कि तो मैं घर चला जाता हूँ, ये घर आ गए थे, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था और दुकान पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ब्लॉग बना देती हूँ, आगे का पता नहीं, आप लोगों की दुआ रहेगी तो मैं अच्छी रहूंगी, पहले मैं दवाई ले लूंगी। इतनी सारी दवाइयां होती है ना, समझ नहीं आता, मैं तो कई बार भूल जाती हूँ। और दवाइयों में कैप भी रखने, कोई 1 घंटा कोई 2 घंटे, और अभी मेरा सुगर टेस्ट होना है दोबारा से, जबकि सुगर है नहीं, फिर भी डॉक्टर ने लिखा है, और वो लिखा है क्या हुआ मुझे, क्या हुआ, खोल रही हूँ। यहाँ पे मैं ग्लूकोज टेस्ट के बारे में बता रही थी, जो रेगुलर 3 घंटे में होगा, एक तो खाली पेट होगा, फिर ग्लूकोज पीने के बाद होगा, फिर 2 बार और होगा, 3 बार ब्लड निकाला जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। और यहाँ पे मैं अभी, इन्होंने बोला कि खाने के लिए कुछ भेज दो, तो फिर मैं आगे कर दू। तो मिलते हैं तरबूज काटने के बाद में, तरबूज को तो मैंने तरबूज काट के उनको दे दिया है, दुकान पे पहुंचा दिया है। और यार कुछ लोग बोलते हैं ना, मत शेयर किया करो, नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा, तो नजर भी तो 2 तरीके की होंगी ना, अच्छी और बुरी। तो इतने सारे अच्छे लोग हैं तो उनकी अच्छी नजर भी तो लगनी चाहिए ना, बुरी हम लोग जैसा सोचेंगे मेरे ख्याल से तो वैसे ही होगा। और सब कुछ भगवान के ऊपर है, जो वो करना चाहेगा वो होता है, और सब कुछ अच्छा ही होगा जो पॉजिटिव सोचेंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ, लगनी है तो अच्छी नजर लगेगी ना, इतने सारे लोग अच्छे हैं, अच्छी नजर लगनी चाहिए सबको, मेरे लिए ही नहीं सबको। और एक नवरोज खान जी, उन्होंने भी बोला था कि दी प्लीज मेरे लिए प्रे करना, तो डियर मैं आज सबके लिए हमेशा प्रे करती हूँ, आपके यहाँ पे भी बहुत अच्छे से सब कुछ आएगा। प्रेम में कहते हैं ना, सच में बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो चलिए आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे खत्म करूंगी, ये छोटा सा ब्लॉग, और देखते हैं फिर कल मिलते हैं कि परसों मिलते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। और प्लीज यहाँ पे सब लोग मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा सा जो माँ है और जो बनने वाली सब समझ सकती हैं इस फीलिंग को। तो प्लीज प्रे जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट, टेक केयर। और आज मैं व्लॉग जल्दी डाल दूंगी, अभी देखती हूँ एडिट करने लगा देती हूँ, और फिर जल्दी ही मिल जाएगा आपको। और खाना बनाना है तो उसका व्लॉग मैं बना नहीं रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ, सब्जी तनु ले आई है वहां पर, बेड पे रख गई है वो, घिया तोरी बोलिए जो इसमें से बनाना है बना दो, वो बोल रही थी मैं बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी आज, जो तो चलिए चेक किया। और आज नोनी नहीं देखी ना आप लोगों ने, फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नोनी 1 मिनट तो नहीं दिख रही है यार, वो ना सोई हुई है, वो नीचे सोई हुई है। तो चलिए मिलते हैं।